हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर 7 का यूनिट 3, द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ लिया था। जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, तो उनके में ये चैप्टर 7 है, और जिनके पास न्यू एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उनके में चैप्टर 5 में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना देख लीजिएगा किनके चैप्टर में किस चैप्टर में दिया हुआ है किनका, प्रिंट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट वाज द प्रिंट रिवॉल्यूशन, हमें इस चैप्टर इस यूनिट में पढ़ना है, यूनिट 3 में प्रिंट रिवॉल्यूशन और प्रिंट रिवॉल्यूशन के इम्पैक्ट के बारे में। ठीक है, तो प्रिंट रिवॉल्यूशन क्या था, तो बात है प्रिंट रिवॉल्यूशन की। तो प्रिंट रिवॉल्यूशन एक डेवलपमेंट था, एक नया तरीका था बुक्स को प्रोड्यूस करने का, एक ऐसा तरीका था जिसने लोगों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर दिया, लोगों का नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को बढ़ाया, लोगों को इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटीज़ के साथ जोड़ा। इनफैक्ट लोगों के जहन पर, मतलब उनके माइंड पर, वो उन जो ख्याल रखते थे, जो सोचते थे, तो उनके परसेप्शंस को भी इन्फ्लुएंस किया, एंड बहुत नया नया तरीका लोगों के सामने ला कर रख दिया। तो अब कुछ चेंजेस आई प्रिंट के आने के बाद, वो चेंजेस पढ़ते हैं। अ न्यू रीडिंग पब्लिक, अब जो पहले की जो पब्लिक थी वो सिर्फ सुनने का काम करती थी, मतलब लाइक अगर स्कूल भी था तो पाठशाला की तरह होता था, जहाँ पे टीचर जो है बुक से नहीं पढ़ाते थे, बस ओरल उनको जो मन आया वो उन्होंने पढ़ा दिया ओरली। ठीक है, तो बुक था नहीं तो एग्ज़ाम भी नहीं होता था। चाइना में हमने पढ़ा, जापान में कि जब बुक आया तब एग्ज़ामिनेशन शुरू हुआ, है ना। तो बुक नहीं था, एग्ज़ाम नहीं होता था, हर चीज़ ओरल होता था। तो उस टाइम पर क्या होता था, जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो एक रिवॉल्यूशन हो गया, पढ़ने वाले लोगों का जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा हो गया। पहले थोड़ा बहुत मैन्यूस्क्रिप्ट छपता भी था, तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो बहुत अमीर लोग होते थे वो लोग छपवाते थे, लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो जो कॉमन पीपल है उन लोगों ने भी पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, विद द प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस के साथ अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज्ड, एक नए तरीके की पब्लिक इमर्ज हुई जो कि रीडिंग पब्लिक थी, मतलब पढ़ाई लिखाई करने वाली जो पब्लिक थी उसका इमर्जेंस हुआ। एंड प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स, अब देखिए क्या है, हाथ से बनता था तो मेहनत ज़्यादा लगता था, तो पैसा प्राइस ज़्यादा होता था बुक्स का, लेकिन चूंकि अब तो प्रिंट से बन रहा है, मशीन से बन रहा है, तो जो कॉस्ट था, जो दाम था बुक का, वो भी कम हो गया। टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इच बुक केम डाउन, और साथ ही साथ टाइम भी कम हो गया और मेहनत भी कम लगने लगा। एंड मल्टीपल कॉपीज़ कुड बी प्रोड्यूस विद ग्रेट एज, और बड़ी आसानी से बहुत सारी कॉपीज़ जो है उसको प्रोड्यूस किया जाने लगा, जिसके वजह से बुक्स फ्लडेड द मार्केट, मार्केट में बहुत ज़्यादा बुक्स आ गए, रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप, जिसके वजह से बहुत सारे रीडर भर गए बुक के, मतलब बहुत सारे लोग खरीदने लगे उसको और पढ़ने लगे। तो एक्सेस टू बुक्स क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग, तो जब लोगों के पास बुक आया तो एक नया कल्चर, एक नया लाइफ स्टाइल लोगों का हो गया। लोग अब फ्री टाइम में, लेजर टाइम में बस बुक पढ़ते रहते थे। ठीक है, होता है ना, कोई भी नई चीज़ आती है तो लोग उसे अडॉप्ट करते हैं और करते ही रहते हैं। जैसे अगर 5G आया तो लोग क्या करेंगे, 5G को, 5G वाली सिम खरीदेंगे और उसको यूज़ करना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में जियो आया था, फ्री था, तो कितने लोगों ने उसको यूज़ किया। ठीक है, अर्लियर इससे पहले रीडिंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू द इलाइट्स, जो अमीर लोग होते थे वही पढ़ाई लिखाई का काम करते थे, एंड कॉमन पीपल जो आम लोग होते थे वो बस ओरल कल्चर में रहते थे, मतलब वो पढ़ने का काम नहीं करते थे, बस सुनने का काम करते थे। दे हर्ड सैक्रेट टेक्स्ट रीड आउट, बलार्ड्स रिसाइटेड एंड फोक टेल्स नैरेटेड, वो लोग जो भी टेक्स्ट लिखा रहता था, जो भी धार्मिक टेक्स्ट होता था उसको वो लोग सुनते थे। बलार्ड्स जो होता था उसको भी सुनाया जाता था, रिसाइट किया जाता था। बल्लार्ड्स क्या होता है, जो फोक टेल होता है, जो लोक कथा होता है, उसको उसका हिस्टोरिकल अकाउंट है, एंड इसको यूजली या तो सिंग किया गाया जाता है या सुनाया जाता है। ठीक है, तो लोक कथा का हिस्टोरिकल अकाउंट जो है वो होता है बल्लार्ड्स, तो बल्लार्ड्स को रिसाइट किया जाता था, ठीक है, सुनाया जाता था, एंड फोक टेल्स को लोगों को बताया जाता था, नैरेट किया जाता था। तो नॉलेज वॉज ट्रांसफर्ड ओरली, तो उस टाइम पर जो नॉलेज होता था वो बोल कर लोगों को ट्रांसफ़र किया जाता था। पीपल कलेक्टिवली हर्ड ए स्टोरी, मिलकर सब लोग एक साथ स्टोरी सुनते थे, ड्रामा देखते थे। तो जैसे कि आप चैप्टर 8 में देखेंगे,
दे डिड नॉट रीड अ बुक इंडिविजुअली एंड साइलेंटली। एक अकेला इंसान जो क्या था, अकेले होकर वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता। जैसे आज के टाइम पर क्या होता है, सब लोग लाइब्रेरी खोजते हैं कि लाइब्रेरी में बैठ कर अकेले शांति से पढ़ाई लिखाई करेंगे, ठीक है। तो बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, प्रिंट के स्टार्ट होने से पहले, बुक्स वर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन सफिशियंट नंबर। जब प्रिंटिंग नहीं आया था तो उस टाइम पर जो किताबें होती थी बहुत महंगी होती थी, और उस टाइम पर उतना ज़्यादा प्रोड्यूस भी नहीं कर पाते थे बुक को, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और लेबर वाला काम था। नाउ बुक्स कुड रीच आउट टू वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल। अब लोग ज़्यादा लोगों तक जो किताबें वो पहुँच सकती थी। तो इफ़ अर्लियर देर वॉज अ हियरिंग पब्लिक, नाउ रीडिंग पब्लिक केम इन टू बींग। तो पहले सुनने वाली जनता थी और अब पढ़ने वाली जनता हो गई। बट द ट्रांजिशन वॉज नॉट सिंपल। लेकिन इतना सब कुछ आसान नहीं था, एक सुनने वाले दौर से एक पढ़ने वाले दौर की तरफ आना इतना आसान नहीं था, ठीक है। बुक्स कुड बी रीड ओनली बाई द लिटरेट। जो लोग पढ़े लिखे सिर्फ वही बुक को पढ़ सकते थे। एंड द रेट ऑफ लिटरेसी इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज वर वेरी लो। और उस टाइम पर तो ज़्यादा लोग पढ़ते लिखते थे नहीं, पैसा था ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या। तो लगभग 20th century तक बहुत ही कम था लिटरेसी रेट। तो कैसे, हाउ देन कुड पब्लिशर्स परसुएट द कॉमन पीपल टू वेलकम द प्रिंटेड बुक। जो पब्लिशर होते थे वो आम लोगों तक, आम नागरिक तक कैसे अपना बुक जो है, किताबें पहुँचा पाते थे। तो टू डू दिस, इसके लिए दे हैड टू कीप इन माइंड द वाइडर रीच ऑफ द प्रिंटेड वर्क। इवन दोज हु डिड नॉट रीड कुड सर्टेनली इन्जॉय लिसनिंग टू बुक्स बींग रीड आउट। तो पब्लिशर क्या करते थे, इसके लिए बुक को इतना मज़ेदार बनाते थे कि अगर कोई पढ़ नहीं सकता तो उसको सुनकर ही मज़ा आ जाए। सो प्रिंटर्स बिगन पब्लिशिंग पॉपुलर बल्लाड्स एंड फोक टेल्स। तो पब्लिशर क्या करने लगे, जो लोक कथा, मतलब आपने जो बचपन से कथाएँ सुनी है, कहानियाँ सुनी है, उसी को प्रिंट करना, पब्लिश करना शुरू कर दिया उन्होंने। एंड सच बुक्स वुड बी प्रोफाउजली इलस्ट्रेटेड विद पिक्चर्स। और लिखने के साथ साथ पिक्चर्स का यूज़ किया जाने लगा ताकि पिक्चर्स देख के लोगों को और मज़ा आए। दीज वर देन संग, उसके बाद या तो इसको गाया जाता था या रिसाइट किया जाता था। लोगों का एक गैदरिंग करवाया जाता था, मतलब एक साथ लोग एक साथ बैठ जाते थे ग्रुप में और फिर वहाँ पर इसको सुनाया जाता था या गाया जाता था, ठीक है। एंड ट्रावंस इन टाउन, शहर में। ट्रावंस मतलब क्या होता है, वैसा जगह जहाँ पर लोग शराब पीने के लिए या खाना खाने के लिए या फिर मिलने के लिए दोस्तों से या न्यूज़ शेयर करने के लिए बैठते थे, वहाँ पर भी इसको सुनाया और गाया जाता था। तो ओरल कल्चर अब इंटर हो चुका था प्रिंट कल्चर में। जो पहले ओरली बोला जाता था उसको छाप दिया गया, और जो छपा मतलब जो प्रिंटेड मटेरियल था उसको फिर सुनाया जाता था। तो ओरल कल्चर इंटर्ड हो गया प्रिंट में, और प्रिंटेड मटेरियल को ओरली ट्रांसमिट किया जाता था। द लाइन्स दैट सेपरेट द ओरल एंड रीडिंग कल्चर बिकेम ब्लर्ड। तो अब ओरल और रीडिंग में ज़्यादा डिफरेंस बचा नहीं। एंड द हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक बिकेम इंटरमिंगल्ड। अब सुनने वाले और पढ़ने वाले दोनों एक साथ हो चुके थे। अब आते हैं रिलीजियस और डिबेट्स और फियर ऑफ प्रिंट की। तो टॉपिक 3.2 में कहता है कि प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बातों को ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाते थे, ठीक है। पहले तो लिखने का काम था नहीं, तो लोग अपनी बातों को सब लोगों तक नहीं पहुँचा पाते थे। अब लिखने, अब प्रिंटिंग वाला काम है तो ज़्यादा लोग तक पहुँचा पा रहे हैं अपनी बातों को। एंड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। तो इसके वजह से लोगों में डिबेट करना और डिस्कशन करना आम बात हो गया। इवन दोज हु डिसएग्रीड विथ एस्टैब्लिश अथॉरिटीज़ कुड नाउ प्रिंट एंड सर्कुलेट देयर आइडियाज़। मान लीजिए अगर सरकार से कोई खुश नहीं है तो वो क्या करती थी, उसके अगेंस्ट में भी लिखना शुरू कर देती थी, और क्या क्या इससे आइडियाज़ हो सकते हैं वो भी सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दी, मतलब लिखना और छापना स्टार्ट कर दिया। थ्रू द प्रिंटेड मैसेज दे कुड परसुएट पीपल टू थिंक डिफरेंटली। अपने विचारों को लिखकर एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी बात के लिए राज़ी करता था। एंड मूव देम टू एक्शन, और उन्हें एक्शन में आने के लिए, जैसे क्या है अभी के टाइम पर देखिएगा, अगर सरकार सही से काम नहीं करेगा तो न्यूज़पेपर में सरकार क्या काम कर रही है नहीं कर रही है सब आता है लिखकर, है ना। ऊपर से जो मिनिस्टर होते हैं वो अपनी बातों को, अपने विचारों को, जैसे अभी चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा, है ना, ये कांग्रेस करा रही है बीजेपी के अगेंस्ट में। तो इसमें क्या है कि कांग्रेस अपनी बातों को न्यूज़पेपर में लिखवाएगी, उसको बाकी लोग पढ़ेंगे और फिर उनको सपोर्ट करेंगे, या जो भी सपोर्ट या अगेंस्ट जो भी हो, तो लोग उनकी विचारों को समझेंगे कि वो करना क्या चाहते हैं। तो उस तरह पहले भी होता था। तो प्रिंटेड मैसेज के ज़रिए लोग बातें समझते थे, लोग अलग तरीके से सोसाइटी को देखते थे।
तो दिस हैड सिग्निफिकेंस इन डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के अलग अलग पड़ाव में बहुत ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन रहा प्रिंटिंग का. नॉट एवरी वन वेलकम्ड द प्रिंटेड बुक एंड दोज हु डिड ऑल्सो हैड फियर्स अबाउट इट. अब क्या है कि नई बुक है, क्या सही है क्या गलत है, भरोसा तो किया नहीं जा सकता है. तो हर इंसान पूरी तरीके से इस पर भरोसा नहीं करता था, और जो करता था वो भी कभी कभी सोच में रहता था कि क्या ये सही है या गलत है. मेनी वर अप्रीहेंसिव ऑफ द इफेक्ट्स दैट द ईजियर एक्सेस टू द प्रिंटेड वर्ल्ड एंड वाइडर सर्कुलेशन ऑफ बुक्स कुड हैव ऑन पीपल्स माइंड. बहुत सारे लोग ये भी सोचते थे कि आज के टाइम पर जो किताबें पढ़ना इतना आसान हो गया है, कहीं उससे आने वाले टाइम पर कुछ खतरा तो नहीं होगा ना, मतलब लोगों के माइंड पर असर तो नहीं पड़ेगा. इट वॉज फेयर दैट इफ देर वॉज नो कंट्रोल ओवर वट वॉज प्रिंटेड एंड रीड देन रिबेलियस एंड इरिलीजियस थाउट्स माइट स्प्रेड. तो उस टाइम पर यह सोचा गया कि अगर प्रिंटिंग पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो लोग कुछ भी लिख सकते हैं पेपर में, कुछ भी छाप सकते हैं, जिससे हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए या कुछ ऐसी बातें हो जाए जो धर्म के अगेंस्ट चली जाए. तो अगर ऐसा होता है तो द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड, जो असल जो इज्जत है. जैसे अगर मान लीजिए बाइबल सबसे पहला बुक प्रिंट हुआ है ना, तो बाइबल ओरिजिनल बाइबल में जो लिखा हुआ है, हो सकता है प्रिंट करने के टाइम पर उसमें कुछ ना कुछ बदलाव कर दिया जाए. तब उस टाइम पर जो ओरिजिनल आपका जो बाइबल है, जो एक वैल्यूएबल होली बुक है क्रिश्चियंस की, तो क्या होगा, उसके जो ओरिजिनल कंटेंट है उसकी तो बेइज्जती होगी है ना. तो एक्सप्रेस्ड बाय रिलीजियस अथॉरिटीज एंड मोनार्क्स एज वेल एज मेनी राइटर्स एंड आर्टिस्ट, दिस एंजाइटी वॉज द बेसिस ऑफ वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू प्रिंटेड लिटरेचर दैट हैड बिगन टू सर्कुलेट. तो यही वजह थी कि जो लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, जैसे मोनार्क थे या हायर अथॉरिटीज़ थी, रिलीजियस अथॉरिटीज़ थी या आर्टिस्ट या राइटर लोग थे, ये लोग इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कहीं कोई इस प्रिंटेड टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ न करने लगे. ठीक है, तो लेट अस कंसिडर द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इन वन स्फीयर ऑफ लाइफ इन अर्ली मॉडर्न यूरोप, नेमली रिलीजन. चलिए रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में हम समझते हैं प्रिंटिंग को. बात है 1517 की. एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे मार्टिन लूथर, जो कि 95 थीसिस लिख चुके थे, जिसमें वो क्रिटिसाइज करते थे बहुत सारे प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स को, ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च का. देखिए अब समझने का कोशिश करिए, एक रिलीजन है हमारा क्रिश्चियन का, तो उसमें कैथोलिक होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं, प्रोटेस्टेंट होते हैं, ठीक है. तो रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में वो जो प्रैक्टिसेस कराती है, मतलब जो रिलीजियस प्रोग्राम करने का जो उनका तरीका है या फिर उनके जो रीति रिवाज है, रिचुअल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया. लगभग 95 थीसिस दिया क्रिटिसिज्म का मार्टिन लूथर ने, ठीक है, ये अपने आप को एक समाज सुधारक मानते थे. तो अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस वॉज पोस्टेड ऑन चर्च डोर इन विटेनबर्ग के एक चर्च के दरवाजे के ऊपर इसकी एक प्रिंटेड कॉपी साट दी गई. इट चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडियाज़, और उसमें लिखा था कि भाई इन आइडियाज़ को आप डिबेट करिए चर्च में, बहस करिए इन आइडियाज़ पर. तो लूथर्स राइटिंग वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस्ड इन वास्ट नंबर्स एंड रीड वाइडली, बहुत ज़्यादा अमाउंट में और बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा पढ़ा और सुना जाने लगा लूथर की राइटिंग्स को हर जगह पर. दिस लीड टू अ डिवीज़न विद इन द चर्च, तो इससे क्या हुआ कि चर्च का ही बंटवारा हो गया. एंड टू द बिगनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, ठीक है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या होता है वो समझते हैं. 16th सेंचुरी का एक ऐसा मूवमेंट जिससे कैथोलिक चर्च को रिफॉर्म किया गया, जिस पर डोमिनेट थे रोम के मार्टिन लूथर वाज वन ऑफ द मेन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर. तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर थे एक हमारे मार्टिन लूथर, इनके द्वारा जो कैथोलिक चर्च है इसमें रिफॉर्म्स लाया गया एंड सेवरल ट्रेडिशन ऑफ एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी डेवलप आउट ऑफ द मूवमेंट. इस मूवमेंट से बहुत सारे एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी डेवलप हुए, ठीक है. तो बात करें प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की, तो मतलब प्रोटेस्टेंट के जो रिफॉर्मर थे मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने कैथोलिक चर्च को कैसे रिफॉर्म किया मूवमेंट के थ्रू, यही कहता है हमारा प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन. तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन और चर्च के अंदर बहुत सारा डिवीज़न हो गया. लूथर्स ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट सोल्ड 5000 कॉपीज़
विद इन अ फ्यू वीक्स। तो उन्होंने एक ओल्ड टेस्टामेंट तो हमारा बाइबल है, न्यू टेस्टामेंट पब्लिश किया लूथर्स ने, न्यू टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन, और लगभग 5,000 कॉपी जो एक हफ्ते के अंदर सेल हो गई। उसके बाद 3 महीने के अंदर ही दूसरा एडिशन भी आया। डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट, लूथर सेड प्रिंटिंग इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड। अब प्रिंट से खुश होकर लूथर कहते हैं कि जो प्रिंटिंग है वो ऊपर वाले का, गॉड का गिफ्ट है, एंड द ग्रेटेस्ट वन, और सबसे बड़ा गिफ्ट है। ठीक है, सेवरल स्कॉलर्स इन फैक्ट थिंक दैट प्रिंट ब्राउट अबाउट न्यू इंटेलेक्चुअल एटमोसफियर एंड हेल्प स्प्रेड द न्यू आइडियाज़ दैट लेड टू द रिफॉर्मेशन। तो बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना था कि रिफॉर्मेशन के प्रोसेस में, मतलब धर्म को सुधारने के प्रोसेस में, जो प्रिंट है उसने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक 3.3 पर, प्रिंट एंड डिसेंट। प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्टिमुलेटेड मेनी डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ इवन अमंग लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल। तो प्रिंट के वजह से जो बहुत सारे रिलीजियस लिटरेचर हैं उनके वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ही लोगों को धर्म को समझने और जानने का मौका मिला। इनफैक्ट उन लोगों को भी जो कम पढ़े लिखे लोग थे, तो चाहे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हो या कम पढ़े लिखे लोग हो, प्रिंट ने और बहुत सारे पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर ने लोगों को अपने अपने धर्म को समझने का मौका दिया। इन द 16th सेंचुरी मेनोशियो, अ मिलर इन इटली, इटली में एक मिलर है हमारे मेनोशियो, उन्होंने बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया जो कि उनके मोहल्ले में प्रेजेंट था। ही री इंटरप्रीटेड द मैसेज ऑफ द बाइबल, उन्होंने बाइबल के मैसेज को फिर से समझाया लोगों को, एंड फॉर्मुलेटेड अ व्यू ऑफ गॉड, ऊपर वाले के नज़रिए को समझाया, एंड क्रिएशन दैट इनरेज द रोमन कैथलिक चर्च, और रोमन कैथलिक चर्च का जिस जहाँ से क्रिएशन हुआ है उस चीज़ को भी समझाया लोगों को, किसने, मेनोशियो ने। ठीक है, वेन द रोमन चर्च बिगेन इट्स इंक्विशन टू रिप्रेस हेरेटिकल आइडियाज, अब देखिए पहले इन दोनों वर्ड्स का मतलब आप समझ लीजिए। इंक्विशन का मतलब होता है अ फॉर्मर रोमन कैथलिक कोर्ट फॉर आइडेंटिफाइंग एंड पनिशिंग हेरेटिक्स, हेरेटिक्स को पहचानने और पनिश करने के लिए एक कोर्ट होता था, रोमन कैथलिक कोर्ट, जिसे हम कहते थे इंक्विशन। तो ये पहले का कोर्ट था, अभी कोर्ट जो है, जो बात हो रही है कंटेम्प्रेरी टाइम की, तो कोर्ट चेंज हो गया। उसके बाद हेरेटिकल क्या होता है, हेरेटिक्स क्या होता है वो समझते हैं। हेरेटिक्स मतलब बिलीव्स विच डू नॉट फॉलो द एक्सेप्टेड टीचिंग ऑफ द चर्च, ऐसा बिलीफ, ऐसी आस्था जो कि चर्च के टीचिंग को मानने से इनकार करती है। इन मेडिवल टाइम हेरेसी वाज सीन एज अ थ्रेट टू द राइट ऑफ द चर्च टू डिसाइड ऑन व्हाट शुड बी बिलीव एंड व्हाट शुड नॉट। हेरेसी को कुछ ऐसे समझा जाता था कि किस चीज़ पर भरोसा करें, किस चीज़ पर नहीं, इसकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी। ठीक है, दैट इज़ हेरेसी। तो हेरेटिकल बिलीव्स वर सेवरली पनिश्ड। अब है सटीटी। सटीटी क्या होता है, द स्टेट ऑफ बींग फुलफिल्ड मच बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, जितना मिलने की ख्वाहिश हो उससे ज़्यादा मिल जाना, दैट इज सटीटी। और सेडिटस, सेडिशियस क्या होता है, एक्शन, स्पीच या राइटिंग दैट इज सीन एज अपोजिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आप कुछ एक्शन करते हो, स्पीच देते हो या कुछ लिखते हो, तो हम उसको कहते हैं सेडिशियस। ठीक है, चलिए, तो वेन द रोमन चर्च बिगेन इट्स इंक्विशंस, जब रोमन चर्च ने अपने इंक्विशन स्टार्ट किया, मतलब अपना जो फॉर हेरेटिक्स को पहचानना और पनिश करना शुरू किया, ताकि हेरेटिकल आइडियाज़, मतलब वैसे आइडियाज़ जिन पर लोग भरोसा करें या ना करें, इस पर कन्फ्यूज़न रहता था लोगों को, होता है ना, कुछ कुछ होली बुक्स में ऐसी बातें रहती है कि लोग खुद सोचने लगते हैं कि इस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हेरेटिकल आइडियाज़ को दबाने के लिए जब इंक्विशन शुरू हुआ, तो मेनोशियो वाज हाउल्ड अप ट्वाइस एंड अल्टीमेटली एग्जीक्यूटेड। मेनोशियो को बहुत डराया धमकाया गया और फाइनली उसको बाहर निकाल दिया गया देश से। द रोमन चर्च ट्रबल्ड बाई सच इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलर रीडिंग एंड क्वेश्चनिंग ऑफ फेथ, अब जो रोमन चर्च था भाई, वो तो बड़ा प्रॉब्लम में फंस गया, लोग उससे सवाल पे सवाल करने लगे, उसके आस्था पे सवाल करने लगे। इम्पोज सिवर कंट्रोल्स ओवर पब्लिशर, जिसके लिए रोमन चर्च ने इस मामले को संभालने के लिए पब्लिशर्स के ऊपर, यानी कि बुक लिखने वाले और बुक सेलर्स, बुक बेचने वाले, दोनों के ऊपर कंट्रोल लगाना शुरू कर दिया। एंड बिगेन टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम 1558, और लगभग 1558 से कुछ बुक्स को प्रोहिबिट किया गया और उस पर
उन्होंने नज़र रखना शुरू किया कि ये बुक्स दोबारा से पब्लिश ना हो। होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि धर्म पे के बारे में कुछ और लिखा हुआ है और उसको लोग कुछ और तरीके से समझाते हैं, तो ये हो गया हेरेटिकल आइडियाज़। अब इन हेरेटिकल आइडियाज़ को अगर मार्केट में लाया जाए तो क्या होगा, लोग अपने अपने धर्म को लेकर लड़ाई करना शुरू कर देंगे एक दूसरे के धर्म को लेकर, है ना। तो धर्म के नाम पर तो लड़ाई अच्छी है नहीं, क्योंकि क्या कहते हैं, सेकुलरिज्म होना चाहिए। मतलब जो रिलीजन है वो इंसान का निजी मामला होना चाहिए, प्राइवेट मैटर होना चाहिए। अब उसमें किसी को क्या मतलब जाके दखल अंदाजी करना, है ना। तो इससे अच्छा है कि रिलीजियस मैटर को पब्लिशिंग से दूर रखा जाए। ठीक है, अब आते हैं रीडिंग मानिया के ऊपर। टॉपिक नंबर 4 है हमारा रीडिंग मानिया। थ्रू द 17 एंड 18 सेंचुरीज लिटरेसी रेट्स वेंट अप इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप। बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट बढ़ा 17th और 18th सेंचुरी के टाइम पर। चर्चेज ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन मतलब सब ग्रुप ऑफ रिलीजन, रिलीजन का सब ग्रुप। जैसे आप क्रिश्चियन लोगों का सब ग्रुप देखोगे तो प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, ये सब है। तो इनके जो चर्चेस थे, सेटअप स्कूल्स इन विलेजेस, इन लोगों ने गांव में विलेजेस में स्कूल सेटअप करवाया। और पीजेंट्स को, आर्टिसेंस को, आर्टिसेंस मतलब वैसे लोग जो हाथ से सामान बनाते हैं, और पीजेंट्स मतलब गरीब किसान लोग, इनको शिक्षा दिया, शिक्षित किया। एंड बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोप लिटरेसी रेट लगभग 60 से 80% हो चुका था। सोचिए, पहले सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग पढ़ सकते थे, लेकिन चर्च ने क्या किया, चर्च ने गांव में स्कूल बनवाया और वहां पर पीजेंट्स और आर्टिसेंस को पढ़वाया, जिसकी वजह से लगभग 60 से 80% लोग शिक्षित हो गए, पढ़े लिखे हुए। एज लिटरेसी एंड स्कूल्स स्प्रेड इन यूरोपियन कंट्रीज देयर वॉज अ वर्चुअल रीडिंग मानिया। तो जैसे जैसे लिटरेसी और स्कूल बढ़ने लगे यूरोपियन कंट्रीज में, तो वहाँ पर पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, पीपल वॉन्टेड बुक टू रीड एंड प्रिंटर्स प्रोड्यूस्ड बुक इन एवर इंक्रीजिंग नंबर। तो चूंकि रीडिंग मानिया हो चुका है, लोगों के सर पर बुखार चढ़ चुका है पढ़ने का, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुक का डिमांड करते थे पढ़ने के लिए। और जो प्रिंटर्स होते थे वो क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा बुक छापने की कोशिश में लगे रहते थे। न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपियर्ड इन प्रिंट, नए नए तरीके के बुक छापे जाने लगे, जिसमें ऑडियंस को टारगेट करके, मतलब कि बुक को कुछ ना कुछ टॉपिक पर लिखा जाने लगा ताकि लोग दूसरे लोगों के बारे में समझें और जानें। ठीक है, बुक सेलर एम्प्लॉयड पेडलर्स हु रोम्ड अराउंड विलेजेस। बुक सेलर ने क्या किया, जो लोग जैसे आप पेपर देखते होंगे, जब आप जाओगे रेलवे स्टेशन के किनारे पे, मतलब रेलवे स्टेशन पे जाओगे, तो वहाँ पे देखते होंगे कि लोग हाथ में लेकर सामान बेचते हैं। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं पेडलर्स। तो पेडलर्स को नौकरी देना शुरू किया बुक सेलर्स ने, ताकि वो क्या करे, बुक सेलर्स का जो किताबें हैं वो ले जाकर लोगों को गांव में बांटे। ठीक है, मतलब बेचे घूम घूम कर, कैरिंग लिटिल बुक्स फॉर सेल। ठीक है, तो देयर वर अलमानसेस, अलमनैक्स और रिचुअल कैलेंडर्स, अलमनैक्स और रिचुअल कैलेंडर। अब समझते हैं अलमनैक्स क्या होता है। अलमनैक एक एनुअल पब्लिकेशन को कहते हैं जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल डाटा, फिर सन और मून के मूवमेंट का इंफॉर्मेशन, उसके बाद टाइड और एक्लिप्स आने का इंफॉर्मेशन, टाइमिंग और बहुत सारी हर दिन की जो ज़रूरी चीज़ें, उसको लिखा जाता है अल्मनाक्स में। उसके बाद चैपबुक समझ लीजिए क्या होता है। चैपबुक एक टर्म यूज़ किया गया है ताकि पॉकेट साइज़ बुक्स को डिस्क्राइब किया जा सके, मतलब जो आप पॉकेट साइज़ जो छोटी सी बुक होती है उसको हम कहते हैं चैपबुक। ठीक है, इसको क्या होता था, चैपमैन बेचते थे। चैपमैन मतलब जो ट्रैवलिंग करने वाले, जो ट्रेन में आप देखेंगे बेचने वालों को, उसको हम कहते हैं चैपमैन। वही चैपमैन बेचते थे चैप बुक्स को। ठीक है, पॉकेट साइज बुक को। तो ये उस टाइम का 16th सेंचुरी का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन पॉपुलर बुक माना गया चैपमैन। एनीवेज, तो अल्मनैक्स हुआ करते थे, रिचुअल कैलेंडर्स हुआ करते थे, इसी के साथ बल्लाड और फोकटेल्स होते थे। बल्लाड क्या होता है, फोकटेल क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। इसी के साथ साथ बट अदर फॉर्म्स ऑफ रीडिंग मैटर लार्जली फॉर इंटरटेनमेंट बिगेन टू रीच ऑर्डिनरी रीडर एज वेल। तो रिलीजियस और रिचुअल के साथ होने के साथ साथ इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से भी बहुत सारी किताबें छापी जाती थी। तो कुछ रीडर ऐसे होते थे
जो धार्मिक चीज़ों को पढ़ते थे, वही कुछ रीडर ऐसे होते थे जो इंटरटेनमेंट करने वाली चीज़ों को पढ़ते थे। जैसे इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स वर कैरिड बाई पेटी पेडलर्स नोन एज चैपमैन। तो क्या होता था, छोटी छोटी जो किताबें होती थी इंग्लैंड में, चैपमैन उसको बेचा करते थे और लोग उसको आराम से एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जाते थे और रास्ते भर में बैठकर पढ़ते थे, सो दैट ताकि जो गरीब इंसान है वो भी उसको खरीद कर पढ़ सके। ठीक है, चैपबुक छोटा है ना, दाम कम रहता है। फ्रांस में, इन फ्रांस वर द बिलोथिक ब्लू विच वर लो प्राइज स्मॉल बुक, जो बहुत सस्ती वाली छोटी बुक थी, चैपबुक थी फ्रांस में, वो थी बिलोथिक ब्लू। ठीक है, और इसको प्रिंट किया जाता था पुअर क्वालिटी के पेपर पर, क्योंकि सस्ता बनाना है ना, तो सस्ती क्वालिटी के पेपर पर प्रिंट किया जाता था। एंड बाउंड इन चीप ब्लू कवर्स, और सस्ते ब्लू कवर्स से इसको ढाक दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद देन देयर वर द रोमांसेस प्रिंटेड ऑन 4 to 6 pages। ठीक है, तो लगभग 4 से 6 पेज पर रोमांसेस के बारे में लिखा जाता था, आर्ट एंड कल्चर के बारे में, एंड द मोर सब्सटेंशियल हिस्ट्रीज विच वर स्टोरीज अबाउट द पास्ट। और बाकी में क्या होता था कि हिस्ट्रीज लिखा जाता था, यानी कि पास्ट के बारे में चीज़ें लिखी जाती थी कि पहले के टाइम पर क्या होता था। पहले के टाइम पर जैसे मान लीजिए हमें आज अगर लिखना होगा ताजमहल के बारे में, तो हम उसके बारे में उसका एंशेंट बताएंगे, फिर उसका अभी मॉडर्न टाइम पर क्या हो यूज़ हो रहा है, जैसे पुराने टाइम पर राजा महाराजा यूज़ करते थे और अभी के टाइम पर टूरिस्ट लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सस्ती सस्ती जो बुक होती थी चैप बुक, उसमें लिखा जाता था रोमांसेस के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में, तो मैक्सिमम टाइम उसमें हिस्ट्रीज लिखी जाती थी, पास्ट की बातें लिखी जाती थी। बुक्स वर ऑफ वेरियस साइजेस, अलग अलग साइजेस के बुक्स भी अवेलेबल हो गए, सर्विंग मेनी डिफरेंट पर्पसेस एंड इंटरेस्ट, जो कि बहुत अलग अलग तरीके के कामों में लाए जाते हैं। जैसे बड़ा बुक हो गया तो स्कूल में, और छोटा बुक हो गया चैप बुक तो वो ट्रैवलिंग में। द पेरिडिकल प्रेस डेवलप्ड फ्रॉम द अर्ली 18th century, लगभग अर्ली 18th century से प्रेस का डेवलपमेंट और ज़्यादा शुरू हुआ। कंबाइनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट करेंट अफेयर्स विथ इंटरटेनमेंट, तो इंटरटेनमेंट की तो खबरें पहले आती ही थी, अब इसके साथ करेंट अफेयर्स मतलब दीन दुनिया में क्या हो रहा है डेली, उसको भी छापा जाने लगा। द न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स कैरीड इन्फॉर्मेशन अबाउट वॉर्स, ट्रेड, एज वेल एज न्यूज़ ऑफ डेवलपमेंट इन अदर प्लेसेस, कहाँ लड़ाई हो रही है, कौन कौन सा ट्रेड हो रहा है, बाकी जगह पर डेवलपमेंट कैसा चल रहा है, इन सब चीज़ों को भी न्यूज़पेपर और जनरल में लिखना शुरू हो गया। इसी तरह से द आइडियाज़ ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के जो आइडियाज़ होते थे, फिलोसफर्स के जो आइडियाज़ होते थे, वो भी कॉमन लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया। एंशेंट और मेडिवल साइंटिफिक टेक्स्ट जो थे उसको बुक में कन्वर्ट करके पब्लिश किया जाता था, मैप्स को, साइंटिफिक डायग्राम को बहुत ज़्यादा प्रिंट किया जाने लगा। तो जब साइंटिस्ट आपके जैसे कि इसाक न्यूटन, इन्होंने जब अपनी डिस्कवरीज़ को पब्लिश करना शुरू किया तो उन्हें बहुत ज़्यादा बड़े रीडर्स मिले। मतलब जैसे अगर आज के टाइम पर कोई यूट्यूब, जैसे कि मैंने चालू किया, मेरे तो अभी सब्सक्राइबर ज़्यादा है नहीं, तो जैसे यूट्यूब से क्या करते हैं लोग, ज़्यादा सब्सक्राइबर जुटा लेते, वैसे ही इसाक न्यूटन ने जब अपनी डिस्कवरीज़ को पेपर में लिखना शुरू किया तो इनके रीडर्स बहुत बढ़ गए, इनकी डिस्कवरीज़ को पढ़ने वाले लोग बहुत बढ़ गए। द राइटिंग ऑफ थिंकर्स सच एज थॉमस पाइने, वोल्टायर, जीन जेकस रोशियो वर ऑल्सो वाइडली प्रिंटेड एंड रीड। उसके बाद जो थिंकर्स होते थे, मतलब जो सोशल रिफॉर्मर होते थे, जैसे थॉमस पाइने, वोल्टायर, जीन जेकस रोशियो, इन लोगों की भी रीडिंग प्रिंट होने लगी और लोग इसको पढ़ने लगे। तो इनके आइडियाज़ जो थे अबाउट साइंस, रीज़न एंड रैशनैलिटी, ये अब पॉपुलर होने लगे, हर मतलब मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने लगे, लोग उस पर डिस्कस करने लगे, सोचने लगे, उसको पढ़ने लगे। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रेम्बल देयर फॉर टैरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये क्या है, इसको समझते हैं इस टॉपिक को। तो बाय द मिड 18th century तक, मतलब 1750 आते आते तक, देर वॉज अ कॉमन कन्विक्शन दैट बुक्स वर अ मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस एंड इनलाइटमेंट। एक लोगों के मन में एक चीज़ बैठ गई कि किताबें ही एक ज़रिया है जिसके थ्रू इंसान तक प्रोग्रेस की, मतलब डेवलपमेंट की खबरें पहुंच पाती हैं और लोग एजुकेटेड हो पाते हैं। ठीक है, तो मेनी बिलीव दैट बुक्स कुड चेंज द वर्ल्ड। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि किताबें दुनिया बदल सकती है एंड लिबरेट सोसाइटी फ्रॉम डेस्पोटिज्म एंड टायरनी, और सोसाइटी को, समाज को आज़ाद कर सकती है डेस्पोटिज्म रूल से, मतलब मोनार्कियल रूल से।
एंड हेराल्ड अ टाइम, और एक ऐसा टाइम ला सकती है व्हेन रीजन एंड इंटेलेक्ट वुड रूल, जब किसी राजा का नहीं बल्कि एक अच्छे समाज का, सिविलाइज समाज का रूल होगा, ठीक है, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग होंगे और जहाँ साइंस की बातें होंगी, मतलब टेक्नोलॉजी होगा। तो लुईस सेबेस्टियन मर्चियर एक नॉवेलिस्ट हैं 18th सेंचुरी के, तो ये है फ्रांस के, ये कहते हैं द प्रिंटिंग प्रेस इज़ द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज़ द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म। इनका मानना है कि जो प्रिंटिंग प्रेस है ये बहुत ही ताकतवर प्रोग्रेस का इंजन है, मतलब अगर आपको प्रोग्रेस करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है हमारा प्रिंटिंग प्रेस। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा कि मान लीजिए अगर किसी इंसान को, किसी स्कॉलर को, पढ़े लिखे इंसान को अपने आइडियाज़ को शेयर करना है, तो पहले तो हाथ से लिखा जाता था तो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाता था, अब प्रिंटिंग प्रेस की चीज़ है तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है, न्यूज़पेपर आ चुका है ना, तो एक के आइडियाज़ दूसरे को अगर सुनाया जाएगा तो वो तो इंस्पायर्ड होंगे ही ना कुछ तो बातें उन्हें भी अच्छी लगेंगी, तो इससे मास मोबिलाइजेशन होगा, ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे, ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे तो एक साथ डेस्पोटिज्म के अगेंस्ट लड़ाई कर सकते हैं। अगर राजा कुछ गलत काम करेगा और कोई इंसान उसको छाप देता है पेपर में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि हाँ राजा सही नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है, तो ढेर सारे लोग एक साथ एकजुट हो जाएंगे और राजा के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि पब्लिक ओपिनियन एक ऐसा फोर्स है जिससे हम डेस्पोटिज्म को ख़त्म कर सकते हैं। इन मेनी ऑफ मर्चियर्स नोवेल द हीरोज आर ट्रांसफॉर्म्ड बाई एक्ट्स ऑफ रीडिंग। तो मर्चियर्स के बहुत सारे नोवेल्स में ये दिखाया गया कि पढ़ पढ़ के लोग क्या बन गए, हीरो बन गए, ठीक है। दे डेवर बुक्स आर लॉस्ट इन द वर्ल्ड बुक्स क्रिएट एंड बिकम इनलाइटेंड इन द प्रोसेस। तो क्या हुआ, उन्होंने जितना भी अपना बुक्स छापा तो अब वहाँ पर क्या होने लगा कि उनका जो समझाने का तरीका था लोगों को बहुत पसंद आया, जिसकी वजह से उनका जो बुक्स छापने का जो प्रोसेस था उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। कन्विंस्ड ऑफ द पावर ऑफ प्रिंट इन ब्रिंगिंग इनलाइटमेंट एंड डिस्ट्रॉइंग द बियास ऑफ डेस्पोटिज्म। तो अब चूंकि बात है लोगों को जागरूक करने की और डेस्पोटिज्म को ख़त्म करने की, मर्चियर कहते हैं ट्रेम्बल देयर फॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। ट्रेम्बल को समझने के लिए आपको ये समझना होगा, एक प्रैक्टिकल चीज़ समझनी होगी कि क्या होता है अगर कोई डेस्पोटिज्म है, ठीक है, जो कि पूरे दुनिया में फैला हुआ है, मतलब अगर पूरे दुनिया में राजा लोग का रूल हो जाए और उसमें अगर कोई आपको आकर सिखाता है कि भाई आप राजा के रूल के अगेंस्ट जा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि राजा जो बोलेगा आपको वही करना होगा, तो उस केस में वो ट्रेम्बल कहलाता है, ठीक है। मतलब अब दुनिया के लिए परेशानी शुरू हो जाती है, ठीक है। और तो मर्चियर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ट्रेम्बल देयर फोर, तो इसलिए जो पूरी दुनिया की परेशानी है वो ट्रेम्बल है, और ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल वर्ल्ड, अब पूरे दुनिया के सामने सच्चाई आने वाली है, ठीक है। देखो क्या होता है, अगर मान लो हम ही राजा हैं और मेरा लोगों के सामने गलती आने लगे कि हाँ हम क्या गलती कर रहे हैं लोग, मतलब पहले क्या था, जब लिखने, जब ये प्रिंटिंग का काम नहीं होता था तब क्या था, राजा अगर कुछ गलती करता भी था तो कुछ लोगों तक वो बात सीमित रह जाती थी, ठीक है, मतलब कुछ लोगों तक रहती थी, बाकी आगे नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन अब प्रिंटिंग का काम है ना, तो एक से दूसरे तक बातें प्रिंटिंग से पहुंच सकती है, इनफैक्ट बाहर की देशों में भी पहुंच सकती है कि राजा क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, तो अब तो मेरा बुरा टाइम शुरू हो गया है ना। तो ये क्या था, ये लोगों को ट्रेम्बल करता, मतलब घबरा देता था पूरी दुनिया को, तो इस चीज़ से डेस्पोटिज्म जो है, राजा जो है वो डरते थे कि भाई मेरा कहीं सत्ता खतरे में ना आ जाए। अब स्टार्ट करते हैं 4.2, प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। होप सो आपको 4.1 समझ में आया होगा कि घबराहट क्यों था पूरे दुनिया को, किस चीज़ से खतरा था। अब हम 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा प्रिंट कल्चर और फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए जैसा जो लोगों के चिंता करने का कारण था ट्रेम्बल था, अब वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सच भी हो जाएगा, ठीक है।
Many historians have argued that print culture created the condition within the French Revolution occurred. तो बहुत सारे historians ये भी कहते हैं कि French Revolution को करवाने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा importance रहा है print culture का, क्योंकि उस time के जो philosophers होते थे वो philosophers क्या करते थे, अपने ideas को लिखते थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते थे. तो इसको कनेक्ट कैसे करेंगे हम, इसको समझते हैं. तीन आर्गूमेंट्स दिया गया. पहला, प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ द इनलाइटमेंट थिंकर्स. उस टाइम के जो थिंकर्स थे जैसे आपके जीन जैक रोशियो, ठीक है, तो ये सारे जो थिंकर्स होते थे आपके, तो थिंकर्स के आइडियाज़ को पॉपुलराइज करता था प्रिंट. कलेक्टिवली देयर राइटिंग्स प्रोवाइडेड अ क्रिटिकल कमेंट्री ऑन ट्रेडिशन. उस टाइम के ट्रेडिशन पर, सुपरस्टिशंस पर, अंधविश्वास पर, डेस्पोटिज्म पर, मोनार्कियल रूल पर, उनका क्या सोचना है थिंकर्स का, उसको फेमस करने में बहुत ज़्यादा हाथ है प्रिंटिंग का. दे आर गुड फॉर द रूल ऑफ रीज़न रादर देन कस्टम. उनका मानना था कि जो हायरार्की सिस्टम चला रहा है कि भाई राजा का बेटा राजा है, ये है वो है, इस पर राज नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सही बेस होना चाहिए, एक रीज़न होना चाहिए कि क्यों हमें एक राजा चाहिए, ठीक है. And demanded that everything be judged through the application of reason. चूँकि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है, तो इस चीज़ का उन्होंने डिमांड किया कि अगर किसी भी चीज़ को जज करना है तो पहले उसके पीछे का कारण समझो. They attacked the sacred authority of the church. पहले के टाइम पर जो चर्च होता था उसको चूँकि बहुत हाईएस्ट पोस्ट दिया जाता था. हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था तो फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट में सोसाइटी बटी हुई थी जिसमें चर्चेस फर्स्ट स्टेट में आते थे. तो क्या है कि चर्च को इतना इज्जत दिया जाता था, तो चर्च हो सकता है कि कुछ भी लोगों को बोल दे करने के लिए. तो उनके जो सैक्रेड अथॉरिटी थी, मतलब ये जो धार्मिक अथॉरिटी थी उनके पास, तो उसको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म में लाया लोगों ने. एंड डिस्पोटिक पावर ऑफ द स्टेट. स्टेट अगर कुछ गलत करता था, अपने पावर का गलत यूज़ करता था, तो उसको भी दुनिया के सामने उजागर किया प्रिंटिंग ने. Thus, eroding the legitimacy of a social order based on tradition, the writings of the Voltaire and Rousseau were read widely. लोगों ने वोल्टायर और रोशियो के आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा पढ़ा. इन्होंने जो भी लिखा वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ. एंड दोज हु रीड दीज बुक्स सॉ द वर्ल्ड थ्रू न्यू आइज, आइज दैट वर क्वेश्चनिंग, क्रिटिकल एंड रैशनल. पहले तो लोग बस यही सोचते थे कि भाई एक सोसाइटी है तो वहाँ पर राजा होना ज़रूरी है, बिना राजा के हम लोग नहीं जिंदा रह सकते. लेकिन जब इन लोगों के राइटिंग्स को लोगों ने पढ़ा तब उन्हें एक अलग नज़रिया मिला. अब वो हर राजा के हर डिसीज़न पर सवाल करने लगे, उस पर विचार करने लगे और उसको एक अलग नज़रिए से देखने लगे, ठीक है. दूसरा, प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट. अब एक अलग तरीके का डायलॉग शुरू हो गया भाई. जब प्रिंट आया तो सब लोग कुछ ना कुछ क्रिटिकल कमेंट करने लगे, डिबेट होने लगा हर इशू पर. ऑल वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस वर री इवेल्यूएटेड एंड डिस्कस्ड बाय अ पब्लिक. अब कुछ भी नया मुद्दा आता था, सब इंसान उसको लेके बैठ जाता था डिस्कशन करने के लिए कि हाँ क्या ये सही है, गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. दैट हैड बिकम अवेयर ऑफ द पावर ऑफ रीज़न एंड रिकॉग्नाइज द नीड टू क्वेश्चन एग्जिस्टिंग आइडियाज़ एंड बिलीव्स. जिसके थ्रू जो उस टाइम पर जो लोगों के बिलीव्स थे, आइडियाज़ थे, उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला. विद इन दिस पब्लिक कल्चर न्यू आइडियाज़ ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन केम इन टू बींग. अब इसी से क्या हुआ, रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ. देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, जब बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, तो उस टाइम पर मॉन्टेस्क, रोशियो, ये सब जो थे, ये सब अपना कुछ ना कुछ राइटिंग्स लिखते थे ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, ठीक है. तो इन सब राइटिंग्स को लोग पढ़ते थे और समझते थे. तो जिन लोगों का पहले मानना था ये कि राजा का होना ज़रूरी है, अब उन लोगों का मानना हो गया कि राजा नहीं, इंसाफ का होना ज़रूरी है, ठीक है. तो इसके लिए क्या हुआ, जिम्मेदार कौन हुए, मॉन्टेस्क और रोशियो, क्योंकि उन्हीं के राइटिंग्स लिखकर तो लोग क्या हुए, इन्फ्लुएंस हुए ना, प्रभावित हुए, जागरूक हुए. तो इस तरीके से जो प्रिंट है वो राजा के अगेंस्ट में, मतलब डिस्पोटिज्म के अगेंस्ट में, लोगों को सक्सेसफुली रिवॉल्ट करने में हेल्प कर दिया. थर्ड क्या है, बाय द 1780s देयर वाज एन आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर दैट मॉक्ड द रॉयलिटी एंड क्रिटिसाइज देयर मोरालिटी. अब क्या है कि 1780s तक इतना ज़्यादा लोग शिक्षित हो चुके थे
कि जो रॉयलिटी है, जो लोगों की जो बादशाही होती है, उसका लोग मजाक उड़ाने लगे। एंड उनके जो मोरल वैल्यू है, मतलब होता है ना, कोई राजा अगर अजीब तरीके का कपड़ा पहने हुआ है तो उसको बोल रहा है कि यार देखो ना कैसा राजा है, ये सिक्का चलवाता है, ऐसे कपड़ा पहनता है, ये करता है, वो करता है, ठीक है, ये सब करने लगे उस टाइम पर लोग। तो इन द प्रोसेस इट रेज्ड क्वेश्चन अबाउट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। लोग उस टाइम पर राजा कैसे रूल कर रहा है उसके प्रति भी क्वेश्चन करने लगे कि भाई ऐसे रूल किया जाता है, जैसे हम लोग स्कूल में कभी बैठे रहते, कॉलेज में पढ़ते रहते, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे पढ़ाया जाता है, ऐसे नहीं पढ़ाई होता है, ऐसे नहीं बैठा जाता, ऐसे नहीं खाना खाया जाता है, ऐसे नहीं बात किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सोशल ऑर्डर पर भी सवाल होने लगे। कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स टिपिकली सजेस्टेड दैट द मोनार्की रिमेंड अब्सॉर्ब्ड ओनली इन सेंशुअल प्लेजर्स व्हाइल द कॉमन पीपल सफर्ड इमेंस हार्डशिप। तो अब ये भी बात कार्टून्स और कैरिकेचर से पता चलने लगा। कार्टून्स और कैरिकेचर्स ने लोगों को ये बताया कि भाई जो मोनार्की है ना, बस आपके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, असल ज़िंदगी में आप देखेंगे तो वो इतना फेमस नहीं है, बल्कि उल्टे आपके मजबूरी का कारण बनता है, आप ही लोग उससे ज़्यादा सफ़र करते हैं, आप लोग मजबूर होते हैं, आप लोग ज़्यादा प्रॉब्लम झेलते हैं, तो बस आपके दिमाग पर ये बंधा हुआ है कि हाँ हमारा राजा है, हमारे लिए अच्छा करेंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। दिस लिटरेचर सर्कुलेटेड अंडरग्राउंड एंड लेड टू द ग्रोथ ऑफ हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स अगेंस्ट द मोनार्की। तो क्या हुआ, ये जो लिटरेचर्स थी, ये जो लिखावटें थी, वो बहुत ज़्यादा लोगों में फैली, जिसके वजह से मोनार्की के अगेंस्ट में जो है लोग गुस्सा हो गए, लोग उसके अगेंस्ट में बढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है। तो हाउ डू वी लुक एट दीज आर्गूमेंट, अब हम लोग कैसे इस चीज़ को समझें, क्या मतलब क्या रीज़न था कि लोग मोनार्की के अगेंस्ट में गए, क्या रीज़न था कि प्रिंट से लोग इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, इसको हम कैसे समझेंगे। तो देयर कैन बी नो डाउट दैट प्रिंट हेल्प्स द स्प्रेड ऑफ आइडियाज़। ये इसमें तो कोई शक है नहीं कि प्रिंट के वजह से आइडियाज़ का फैलाव हुआ। मान लीजिए पहले हम, मान लीजिए अभी हम रहते हैं ना पटना में, तो हम कुछ भी करेंगे और अभी प्रिंटिंग का टाइम नहीं है तो पटना तक ही रह जाएगा, लेकिन मान लीजिए प्रिंटिंग का है, हम कुछ भी करते तो पूरा दुनिया जानेगा कि हम क्या कर रहे नहीं कर रहे। अगर हम टॉप भी कर गए अपने कॉलेज में तो पूरी दुनिया जानेगी उस चीज़ को, है ना। तो प्रिंटिंग क्या करती है, आपके आइडियाज़ को स्प्रेड करती है। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट पीपल डिड नॉट रीड जस्ट वन काइंड ऑफ लिटरेचर। हमें ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए कि एक ही तरीके के लिखावट को लोग नहीं पढ़ते, मतलब डेली डेली अगर आप एक ही चीज़ पर लिखिएगा, डेली डेली आप मान लीजिए टॉपर के बारे में पेपर में लिखते जाए तो लोग बोर हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को चाहिए होता है मज़ा, है ना। इफ़ दे रीड द आइडियाज़ ऑफ वोल्टेयर एंड रोशो दे वर ऑल्सो एक्सपोज टू मोनार्कियल एंड चर्च प्रोपागेंडा। तो अगर वो वोल्टेयर और रोशियो के आइडियाज़ के बारे में पढ़ेंगे तो एक ना एक दिन वो क्या होंगे, मोनार्कियल और चर्च प्रोपोगेंडा के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। दे वर नॉट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली बाई एवरी थिंग दे रीड और सो। तो जो भी चीज़ वो हम लोग पढ़ते हैं, एज अ ह्यूमन बींग हम लोग जो भी चीज़ पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम उससे पूरी की पूरी तरह से प्रभावित हो जाए। मतलब होता है ना, अगर आप पढ़ रहे हो वाटर साइकिल के बारे में तो, या फिर आप पढ़ रहे हो साइक्लोन के बारे में, तो ऐसा थोड़ी है कि पूरा का पूरा बात आप राइटर लिखेगा, हाँ साइक्लोन इस वजह से आया, ये हुआ वो हुआ, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप पूरी के पूरी तरीके से उससे सहमत हो जाओगे, नहीं ना। तो दे एक्सेप्टेड सम आइडियाज़ एंड रिजेक्टेड अदर्स। जो लोगों को अच्छा लगता है जो आइडियाज़, उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो अच्छा नहीं लगता है उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमको कुछ लाइंस अच्छा लगा तो हम उसको माइंड में रखेंगे और बाकी लाइंस को भूल जाएंगे, ठीक है। दे एक्सेप्टेड सम आइडियाज़ एंड रिजेक्टेड अदर्स। दे इंटरप्रिटेड थिंग्स देयर ओन वे। लोग जो होते हैं वो जिस चीज़ को पढ़ते हैं उसको अपने तरीके से सोचते हैं, अपने तरीके से समझते हैं। प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड्स। ऐसा नहीं कि जो लिखा हुआ है एकदम वही लोग सोचने लगेंगे, ऐसा नहीं, लोग अपने तरीके से समझते हैं। बट इट डिड ओपन द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रिंट में जो लिखा रहे लोग वही सोचें, बल्कि ऐसा ज़रूरी होता है कि लोग अलग तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये था आपका टॉपिक 4, ठीक है। टॉपिक 4 होप सो आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ टॉपिक 3 और टॉपिक 4 को। टॉपिक 3 में हमने सबसे पहले देखा प्रिंट रिवॉल्यूशन, जिसमें हमने देखा प्रिंट रिवॉल्यूशन से लोगों के आइडियाज़ बदले, लोग डेवलपमेंट हुए, बुक्स पढ़ना शुरू किया, लोगों ने रीडर की संख्या बढ़ी। अ न्यू रीडिंग पब्लिक में हमने देखा कि पहले लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे तो ओरल चीज़ें सुनते थे,
फोक टेल सुनते थे, तो उसी चीज़ को रीडिंग में कन्वर्ट किया गया और पब्लिश किया गया, जिससे पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी, लोग फ्री टाइम में कहानियाँ किससे सुनने लगे। उसके बाद रिलीजियस डिबेट्स और फियर ऑफ प्रिंट, तो इसमें क्या हमने पढ़ा कि पहले क्या होता था, चर्च वगैरह अपनी बातें डायरेक्ट लोगों पर अप्लाई करते थे, लेकिन प्रिंटिंग के हेल्प से जो चर्च में या होली बुक में जो चीज़ें लिखी हुई हैं या फिर जो हेरेटिक बातें हैं उसका अगेंस्ट किया गया, और चर्च का जो सैक्रेड पावर्स था उसको भी कम किया गया। थर्ड हमने पढ़ा प्रिंट और डिसेंट का, जैसे जैसे हेरेटिकल आइडियाज़ बढ़ने लगे तो रिफॉर्मेशन करना बहुत ज़रूरी हो गया, और प्रिंट के थ्रू डिसेंट्स के थ्रू, मतलब डिसेंट लोगों की जो नाराज़गी थी प्रिंट्स थी, इसके थ्रू लोगों ने क्या किया, जो गलत चीज़ें प्रिंट की जाती थी होली बुक्स में जिसकी वजह से सोसाइटी डिवाइड होता था, उसको बंद करवाया। इसके बाद रीडिंग मानिया में हमने पढ़ा कि कैसे रीडिंग से लिटरेसी रेट बढ़ा, जो लोगों के जो काम की बातें होती थी उसको लिखा जाता था सिंपल लैंग्वेज में ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको मज़े से पढ़ सकें, जिसकी वजह से जो आपके लिटरेसी रेट थी वो 60-80% बढ़ी। हमने देखा जो चर्चेस थे उन्होंने विलेजेस में गांव में स्कूल्स वगैरह ओपन किए, स्कूल्स में उसके बाद स्कूल्स में पढ़ाई करके लोग अपना शिक्षित हुए, उसके बाद चैप बुक्स मिलने लगा, तो जिस हिसाब से बुक का यूजेज होता था उस हिसाब से बुक को प्रिंट किया जाने लगा। फिर हमने पढ़ा ट्रेम्बल देयर फॉर टैलेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो चूँकि प्रिंट वर्ल्ड जब आया तो डिस्पोटिज्म को भी खतरा हो गया कि भाई अब तो मेरा रूल जो है, हम जो भी रूल लगाते हैं या जो गलत काम करते हैं वो तो क्रिटिसाइज होगा, वो लोगों तक पहुँचेगा, ज़्यादा लोग उसको अलग तरीके से सोच पाएंगे, तो उनके लिए भी एक तरीके से घबराहट हो गई, खतरा हो गया। हमने लास्ट में पढ़ा प्रिंट कल्चर ने कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हेल्प किया, तो फिलासफर्स के आइडियाज़ को लोगों तक पहुँचाया और उन्हें ये बताया कि ज़रूरी नहीं है कि राजा ही हम लोग पर कंट्रोल करे, हम लोग खुद से ही खुद के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें आपको याद होगा, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा या फिर आप चैप्टर 1 में पढ़े होंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, तो उसमें बताया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो कि प्रिंट कल्चर का ही देन है, ठीक है। तो लोगों ने उस चीज़ को समझा और लोगों ने पढ़ा जाना सब चीज़ को, और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जैसी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आई। आज रहने देते हैं 4th टॉपिक तक ही, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 5th टॉपिक, ठीक है। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, एक बार फिर से वीडियो को सुनने की कोशिश करिएगा, ठीक है, ठीक है, गुड बाय।